Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you so very much for your precious love time and respect friends i heartily respect you all thank you so much for your precious love and your time that you always shower on my happy universe thank you to everyone to the special ones respected ones who has subscribed their happiness with my happy universe shalini one and friends if you are on channel just keep smiling your face feel very good click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming most amazing videos of my happy universe if you're new on channel and i want to make myself introduce with you once again i'm shalini i am a teacher always here to make you very special very blissful in your own channel of blessings and your happiness so feel good feel smiley and let's start the video today is a friday special study video in the morning session so let's start but i have for you in the continuation of unit number 5th Let's start. Before that, we have discussed with the thank you. Thank you, God, once again for my lovely one who is watching us right now. And till this time, we are just continuing with the unit number five, means unit number of blood and lymphatic system. And we are continuing with the today proportion of blood cells and plasma in whole blood separated by gravity. अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक बात कही थी कि हमारे ब्लड में क्या होता है सीरम होता है हम सेंट्रिफिक्यूजन के थ्रू सेंट्रीफिक्यूजन एक मशीन होती है जो लेबोरेटरी टेस्ट के टाइम पे क्या होता है जहाँ पे लैब होती है अगर आप इस चीज़ से बैकग्राउंड रखते हो तो आप देखते हैं वहाँ पर क्या होता है जब भी हम किसी पेशेंट का सैंपल लेते हैं उसका ब्लड लेते हैं मोस्टली ये जो होता है ब्लड लैब में देखा जाता है ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा अच्छे से आप वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ से जब पेशेंट का सैंपल लिया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पर एक मशीन होती है जिसको हम टेस्ट ट्यूब आपके लिए बनाई हैं फ्रेंड टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद क्या होता है जो वो पूरा ब्लड जो वो श्रिंक होता है जैसे जैसे आ, you can say कि हम उसको यू कैन से हम उसको शिमल करते हैं है, हम इसको बहुत अच्छे से जो है वो आ, हिलाते हैं ताकि उनके जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स जैसे ही हम शेक करते जाते हैं तो आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होंगे फ्रेंड्स वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो प्लाज्मा होगा जो फ्लूड होगा वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि अब मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली फीमेल्स में ब्लड को लेकर देखी जा रही है और मेल्स में भी बहुत सी होती है लेकिन मोस्टली जो गर्ल्स हैं इस चीज से अनिमिया से बहुत ज्यादा सफर करती है तो हमें ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और मोर ओवर ब्लड के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनके बारे में भी बहुत डिटेल में पता होना चाहिए चाहे कोई आप मेडिकल स्ट्रीम से हो चाहे नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हर घर में हर घर में लड़कियां होती हैं और लड़कियों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फ्रेंड्स अगर हमें छोटी सी इंफॉर्मेशन से ही, अगर अपनी हेल्थ के लिए कोई बेनिफिट मिल जाए आई थिंक हमें इस चीज की नॉलेज लेने से कभी नहीं कतराना चाहिए तो फ्रेंड्स बता दूं आपको अब हमारे ब्लड में बहुत से सेल्स होते हैं डब्ल्यू होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इरिथ्रोसाइड्स होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं जिसको समटाइम लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि सेल डाउन हो गए हैं मैं हर एक एस्पेक्ट में आपको बताऊंगी कि हमारे ब्लड में कितने प्लाज्मा या हमारी ब्लड में कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए वो आने वाले सब टॉपिक्स में कवर करेंगे तो फ्रेंड्स पे जो जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और सीरम होगा ट्रांसपेरेंट एक कलरलेस जिसको हम कहेंगे प्लाज्मा वो ऊपर आ जाएगा और उस चीज का जो है वो सैंपल ले लिया जाता है हमारे टेस्ट के लिए एग्जाम्पल ब्लड का कोई भी टेस्ट होता है तो हम हमेशा ही सीरम का ही टेस्ट करते हैं ठीक है अब बता दूं आपको फ्रेंड्स यहां पर मैंने कुछ वैल्यू भी लिखी है मोस्टली फ्रेंड्स जो हमारा ब्लड होता है है, अगर 100% परसेंट की रेशियो लेकर चलें तो उस उसमें से आरबीसी मतलब जो हमारे ब्लड में जो सेल्स होंगे रेड ब्लड सेल्स होंगे वो 45% परसेंट होते हैं और सीरम जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55% परसेंट ठीक है तो अब इसके बाद आपको बता दूं अगर इन केस अगर हम क्लॉटिंग किसमें देखें जैसे सम टाइम क्या होता है हमारे ब्लड में आप कहते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग जैसे सम टाइम दिमाग की नसों में जो होता है वो थ्रोम्बस थ्रोम्बस हम कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को या कोई भी आर्थिर की वजह से हो सकता है किसी ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है तो फ्रेंड्स ब्लड में जब क्लॉट बन जाता है तो हम उसको यहाँ पे क्लॉट कह देते हैं और ये है हमारा सीरम वही सेम प्लाज्मा तो क्लॉटिंग किसी की भी वजह से हो सकती है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है ज़्यादा फैट लेने से या किसी भी तरह की ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट में ब्रेन की सप्लाई में एनी इट कैन बी और इनका हमारी क्रेनियल नर्व से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है जो कि मैंने पहले भी आपको ऊटा फवगवाह के थ्रू बताया है सो so, प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा जानना है तो फिर से क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन को समझ लें क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के ब्रेन के हर एक ऑर्गन और हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो सब कॉम्युनिकेट करती हैं क्रेनियल नर्व्स के ट्रू ठीक है अब फ्रेंड्स बता दूं आपको कि एक्चुअली में ब्लड है क्या और प्लाज्मा को हिंदी में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स प्लाज्मा को हिंदी में प्लाविक कहा जाता है मतलब कि बिना रंगत वाला एक ऐसा अंश हमारे रक्त में होता है जिसका कोई भी रंग नहीं होता लेकिन वो हमारे रक्त का हिस्सा जरूर होता है ठीक है अब बता दूं कि ब्लड क्या है ब्लड कंपोज्ड ऑफ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वॉटरी फ्रूड कॉल्ड प्लाज्मा मतलब कि कहने का कि कल मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू भी है मतलब कनेक्ट करता है सर्कुलेट करता है बॉडी में हर एक ऑर्गन में ब्लड जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो ब्लड कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है हमारा एक वॉटरी फ्लूट जो कि मैंने आपको बताया प्लाविका एक बिना रंग वाला एक पानी की तरह जो है वो प्लाज्मा होता है जिसको वॉटरी फ्लूट का नाम दे दिया गया है यहाँ पर इन विच द सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड जिसके अंदर बहुत से ब्लड सेल्स होते हैं जैसे एग्जाम्पल ने आपको बता दिया cells, जिनको कहा जाता है, है। बहुत अलग, अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो कि हम आने वाले अप करेंगे ब्लड की ही यूनिट में लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिखे हैं कि प्लाज्मा के अंदर कौन सेल्स होते हैं मतलब कि इस वाले फ्लूड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है कौन कौन से जान लेते हैं फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब कि इसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी इम्यूनोग्लोबलिन होंगी ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके अंदर आ गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब कि जिन अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इनके अंदर सी एच बॉन्ड नहीं होता है एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड या कार्बोनाइड ये अलग अलग से इनऑर्गेनिक सोल्ट के एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट्स अब न्यूट्रिएंट्स फ्रेंड्स कुछ भी हो सकते हैं हमारे ब्लड में चाहे वो कोई फैट्स हो सकता है चाहे वो कोई प्रोटीन हो सकता है जो कुछ भी हम अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं हमारे ब्लड में जो अगर ऑक्सीजन भी जा रही है कुछ भी जा रहा है फ्रेंड्स एज ए अगर वो न्यूट्रेंट हमारी बॉडी को नरिश कर रहा है तो वो हमारे प्लाज्मा में भी होगा चाहे वो फिर सोडियम है चाहे वो क्लोराइड है हमें पता है हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं पोटेशियम भी है, हर चीज जितनी भी जो हमारी बॉडी को न्यूट्रेंट देती है उसमें भी जो है वो ये सबस्टांसिस पाए जाते हैं मतलब प्लाज्मा में वो होंगे नेक्स्ट इज़ द वेस्ट मटीरियल्स फ्रेंड अब वेस्ट मटेरियल में जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं आपको हमारी किडनीज जो है वो एक्सक्रीशन का काम करती है हमारी किडनी में बहुत ज़्यादा एन एच थी अमोनिया जो है वो हमारे यूरिनेशन से जो है वो बहुत से ऐसे वेस्ट uh, प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे यूरिनेशन के थ्रू जो वो निकलते हैं बहुत सी गैसेज होती हैं और तो फ्रेंड्स जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रेंड्स वो सब चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा वो प्लाज्मा का ही एक हिस्सा है ठीक है नेक्स्ट इज द हार्मोन्स फ्रेंड्स अब बहुत से हार्मोन्स हो गए जैसे कि आप कह लें पैरा थायरोड हो गया इंसुलिन हो गया बहुत से सटा सट्रा ऐसे हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में ह्यूमस्ट्रेसिस को मेंटेन करते हैं ह्यूमस्ट्रेसिस मींस मेंटेन द बैलेंस अब ट्राई आइडो टी थ्री टी फोर ऐसे हमारे जो हमारे यहाँ पे थ्रोट के पास प्रेजेंट होते हैं अब जिनकी डेफिशिएंसी से या बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है हाइपर हो जाता है या फिर हाइपोथायरोडिज़म हो जाता है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज स्पेसिफिक जरूर कर दूँ फ्रेंड्स सम टाइम जब हाइपर थायरोडिज़म होता है तो पर्सन उस केस में क्या होता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और अगर हाइपो हो जाए तो फ्रेंड्स उस केस में क्या होता है हमारे थायरोसिक्स थायरोनिन और थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये इंक्रीज या अपडाउन होने की वजह से अगर ये कम हो गए तो फ्रेंड्स जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी हो सकता है और आपके बॉडी में जो वो फेस पे बाल आने स्टार्ट हो सकते हैं आपकी आवाज़ में हार्शनेस नहीं स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रेंड्स अलर्ट विद सिंपल सिम्टम्स जिनको हम ऐसे ही नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं अपनी बॉडी से चाहे वो ब्रीदिंग के सिस्टम पर छोड़ते हैं जो कुछ भी हम लेते हैं हाइड्रोजन वाटर के बीच में एच टू प्लस हर चीज जो है वो हिस्सा है हमारे प्लाज्मा का सो so, फ्रेंड्स एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूर बताऊंगी फ्रेंड्स अनिमिया की बात मैं आपके साथ इस यूनिट के टॉपिक पे जरूर करूंगी क्योंकि इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो कि गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है इट मे बी रिलेटेड टू एनी डिसमोनोरिया डिसमोनोरिया मींस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन सम टाइम क्या होता है या बहुत डिले मेंस्ट्रुएशन हो जाना आखिर क्या रीज़न है हम इस सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से बात करेंगे हमारे हेल्थ स्पेशल में इसी यूनिट में तो so फ्रेंड्स बता दूँ कि मेल्स में जो है वो नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए फ्रेंड्स मेल जैसे समाइम कुछ मेल जिम लगाते हैं तो मोस्टली मेल्स में ये कम भी प्रॉब्लम देखी जाती है तो मेल्स में फ्रेंड्स 14 टू तो 16 ग्राम जो है वो नॉर्मल एडल्ट में जो है वो ब्लड होना चाहिए और फीमेल एडल्ट में एटलीस्ट कम कम से कम, 12 टू तो 14 ग्राम जो है वो ब्लड होना चाहिए एंड इफ यू आर गोइंग टू बी बिकम अ मदर तो फ्रेंड्स उससे पहले प्लीज आप जब भी कोई अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यू शुड गो फॉर योर प्रॉपर एच क्योंकि जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रॉपर होगा तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी सम्स उस केस में आप प्लीज अपने जितने भी आपके पीएचसी होते हैं वहां पे हमें आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं या फॉलिक एसिड की टैबलेट मिलती है के अकॉर्डिंग जो वो पर डे जो है वो लेनी होती है तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस सिंपल साइंस बिकॉज ब्लड के रिलेटेड बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अपनी डेली डाइट के थ्रू बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज कर सकते हैं और यहां पर मैं बता दूं कि कब किसका ब्लड कितना होता है तो उसको हम अनी में कैटेगराइज करते हैं फ्रेंड्स अगर आपका ब्लड जो है अगर दस ग्राम भी है तो दस से अगर कम है तो उसको आप कह दे दस या दस से थोड़ा और कम तो फ्रेंड्स आप उसको कह सकते हैं माइल्ड अनीमिया ठीक है और फ्रेंड्स अगर आपका ब्लड नाइन ग्राम है फीमेल्स के लिए कह रही हूं नाइन ग्राम है या नाइन से कम है तो फ्रेंड्स इट्स अ मॉडरेट अनीमिया और अगर आपका ब्लड सेवन है और सेवन से कम है लाइक फाइव ग्राम तक पहुंच गया फोर ग्राम तक तो फ्रेंड्स यू हैव अ अवियर अनीमिया सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली जस्ट मेंटेन योर एच पी लेवल और कल बताऊंगी कि कल नहीं आने वाली सीरीज में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे आरबीसी का साइज कितना होता है ताकि ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में जाने और बहुत सी ब्लड प्रॉब्लम्स है जो है वो अपने आप आपको ओवॉव कर सके सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर प्रीशियस टाइम दैट यू शावर ओनर्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोग जो है वो वीडियोज को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते प्लीज अगर आप अपने व्हाट्सएप पर भी ऑन करके देखते हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर जरूर लाइक करें और अपने लव वंस के साथ नीडी वंस के साथ जरूर शेयर करें इससे क्या होगा हमें आपकी बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमें लगता है कि हमें आपके लिए और एफर्ट्स करने चाहिए थैंक यू सो मच स्टे वेरी ब्लेस्ड हैव अ ग्रेट हेल्थ Thank you. Bye-bye.